हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी इंटरनेट पे बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है बिटवीन मिस्टर संदीप महेश्वरी एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा। एवरीबडी हैव अ ओपिनियन अबाउट दैट कंट्रोवर्सी एंड आई थॉट आई आल्सो हैव द प्लेटफॉर्म टू शेयर माय ओपिनियन रिगार्डिंग द सेम। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज MLM। MLM इज बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं एंड इसे पिरामिड सेलिंग भी कहते हैं। और ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। बेसिकली इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में नॉन पेड जो वर्कफोर्स होती है उससे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। एज एन एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसने ज्वाइन किया है, ही विल हैव टू कन्विंस अदर पीपल टू ज्वाइन द टीम एंड उनके काम से बेसिकली उसको रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये जो आगे तीन लोग जुड़ते हैं, इनको आगे तीन लोगों को जोड़ना होता है। बेसिक मोटो यही है कि आगे से आगे लोग ज्वाइन करते जाएंगे एंड जो ऊपर, जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतना आपका रेवेन्यू जनरेट होता जाएगा। और मेजरली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज इसमें क्या होता है ना, दे टारगेट द पीपल हु आर लेस मैच्योर या जो स्टूडेंट्स हैं जिनको शॉर्टकट चाहिए। एंड मतलब शॉर्टकट स्टूडेंट लाइफ में तुम्हें, मतलब यू आर सो फैसिनेटेड बाय द फैक्ट कि जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं, या बहुत ही आप ऐसे बैकग्राउंड से हो जहां पे आप फाइनेंशियली यू हैव सीन द स्ट्रगल, तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब इस तरीके से आपको कन्विंस किया जाता है कि मतलब सेशंस के लिए यू गेट इन्वाइटेड एंड आपको इस तरीके से जैसे मतलब इतनी हाइप क्रिएट कर दी जाती है वहां पे सेशंस में, मतलब इट इज लाइक ब्रेन वॉशिंग द चाइल्ड। तो मतलब टारगेट ऑडियंस ऐसी होती है जो कैरी अवे बहुत इजीली हो सके। तो जनरली वो स्टूडेंट्स होते हैं या ऐसे होते हैं लोग जो फाइनेंशियली बहुत उन्होंने स्ट्रगल देखा होता है, तो वो उनके लिए इजी होता है एंड लेस एजुकेटेड होते हैं, तो क्लियर पिक्चर नहीं होती लाइफ की इतने और एक्सपीरियंस कम होता है। तो दे गेट रियली कन्विंस, उनको सपने ऐसे दिखाए जाते हैं कि मतलब एक साल बाद यू स्टार्ट अर्निंग 10 लाख, ये आपके पास BMW है, मर्सिडीज है, मतलब पूरी एकदम लग्जरी वाली लाइफ जो है उसकी पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं। म्यूजिक ऐसा लगाया जाता है सेशंस में जैसे मतलब आप बहुत मतलब अच्छे से आपको ब्रेन वॉश किया जाता है। तो मतलब ये वाली सिचुएशंस होती हैं एंड फिर उस बच्चा जो है या जो भी पर्सन है वो मतलब उसको वो चाहिए होता है लाइफ में वो चीजें, तो वो उसको दिस इज द ओनली वे आई कैन इजीली गेट द सक्सेस। तो एक ये सिचुएशन जो होती है इसका बहुत फायदा उठाया जाता है। तो फिर वो क्या करता है, जितने भी उसके पास पैसे होते हैं, जैसे भी पेरेंट्स को कन्विंस करके या पेरेंट्स से लड़ झगड़ के, जो भी चीज है, जो भी उसको लगता है कि सही मेरे को जिस भी वे से पैसे मिल जाएं ताकि मैं सेशंस या जो भी वो कोर्स बेच रहे हैं, इस केस में कोर्स था, और केसेस में प्रोडक्ट्स भी होते हैं। एमवे इज वन ऑफ द कंपनी जिसने जो काफी मतलब ये MLM मार्केटिंग उन्होंने की है एंड आई हैव हर्ड, आई हैव नॉट यूज एनी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, बट ये MLM जो स्कीम है एमवे के टाइम से भी मैंने सुनी हुई है। तो Oriflame वॉज ऑल्सो वन ऑफ दो, Oriflame के बारे में भी मैंने काफी सुना हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है, वो प्रोडक्ट जब आप खरीद लेते हो तो आप यू आर नॉट अ पेड एम्प्लॉय, बट उनके प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो बिकॉज आपको अपने, आपको भी लगने लगता है कि मेरे पैसे फंस गए हैं, बिकॉज आपको समझ आता है विद टाइम दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स कि आप एक साल में बैठ के कमा लोगे। तो उस केसेस में क्या होता है, फिर आप तीन और लोगों को फंसाते हो, ऐसे ऐसे होता रहता है। और एक टाइम बाद, ऐसा नहीं है कि ये चीज चलती रहेगी, एक टाइम बाद ये बंद हो जाती है, मतलब ये पिरामिड टूटता ही टूटता है। एंड उस केस में क्या होता है कि जो ऊपर के लोग होते हैं उनको तो फिर भी फायदा हो जाता है। इट इज लाइक रोटेटिंग द मनी, मतलब इसी MLM स्कीम में जो भी ज्वाइन करते थे उन्हीं के पैसे दूसरों को दे के, मतलब वो एक हाइप क्रिएट कर रखते हैं ताकि लोग ज्यादा ज्यादा जुड़ जाए, और जो नीचे के बॉटम लेयर होती है वो बिल्कुल क्रैश हो जाती है, उनका सिर्फ नुकसान होता है। मुझे ऐसा लगता है देयर इज नो शॉर्टकट फॉर मनी, आपको हमेशा हार्डवर्क करके ही पैसे मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट MLM मार्केटिंग। अब कमिंग बैक टू द कॉन्ट्रोवर्सी, वॉट एक्चुअली हैपेंड बिटवीन देम, संदीप महेश्वरी जी की जो है ना एक बिजनेस सीरीज चल रही है, इसके इन बिटवीन कुछ ऐसा सेशन टर्न आउट हो गया कि पीपल वर कंप्लेनिंग अबाउट द कोर्स दे परचेज फ्रॉम विवेक बिंद्रा, देवर कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमने 35,000 का कोर्स लिया, 50,000 का कोर्स लिया, एक डेढ़ घंटे का सेशन होता है, संदीप महेश्वरी जी को जो वैल्यूएबल कंटेंट लगा उस सेशन वो उन्होंने डाल दिया वीडियो में। एंड उन्होंने क्या किया,
नाम हटा दिया बिकॉज आई थिंक वो किसी कॉन्ट्रोवर्सी का पार्ट नहीं होना चाहते थे या वो किसी को टारगेट नहीं करना चाहते थे, जस्ट एक अवेयरनेस वीडियो डालना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने किसी का नाम नहीं डाला, उन्होंने वो नाम भी क्रॉप कर दिया। बट वही है, बात ये होती है चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो जाती है। बट विवेक बिंद्रा जो है स्टार्टेड चेजिंग हिम, उनके पर्सनल स्पेस में जाके ही स्टार्टेड रीचिंग आउट टू हिम, उनको फोन करने लग गए, उनके सेक्रेटरी को फोन करने लग गए, उनको थ्रेट देने लगे कि ही विल टेक लीगल एक्शन, मुझे बात करनी है। संदीप महेश्वरी ने टोटली रिफ्यूज कर दिया है फॉर एनी कम्युनिकेशन। विवेक बिंद्रा के कुछ लोग थे जो कि उनके घर भी पहुंच गए, इट वॉज अ वेरी रॉन्ग स्टेप। अगर वो विवेक बिंद्रा शायद ना रिएक्ट नहीं करते या पर्सनली जाके आई वुड से उंगली नहीं करते संदीप महेश्वरी को, तो वो आगे शायद ये चीज बढ़ती ही नहीं। बट संदीप महेश्वरी गॉट रियली पिस्ड विद दैट, एंड वो ऑब्वियस भी है, कोई भी पिस हो जाएगा इस बात से। उन्होंने बेसिकली कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया एंड क्लियरली सेड कि इट वॉज विवेक बिंद्रा जिसकी बात हो रही थी। एंड उससे क्या हुआ, फिर विवेक बिंद्रा गॉट इवन मोर ट्रिगर्ड एंड विवेक बिंद्रा इज मेकिंग अ इशू आउट ऑफ द थिंग कि लीगल एक्शन तो लिया ही, दिखाएं मेरे को कहाँ है लीगल, जो भी सम्मान उनको दिया गया है वो दिखाएं। बट एक्चुअली ही वॉज संदीप महेश्वरी ने कहीं नहीं कहा कि उनको लीगल नोटिस आया है, ही जस्ट सेड कि उन्हें थ्रेटन किया जा रहा है, विच कैन बी सीन इन विवेक बिंद्राज वीडियो ऑल्सो। तो उसके बाद क्या हुआ, विवेक बिंद्रा ने एक और वीडियो बनाई, ही वॉज देयर टू प्रमोट हिज 10 डेज MBA, बट वो भी उसमें ही वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट संदीप महेश्वरी एंड द कॉन्ट्रोवर्सी। एंड आप उनकी बॉडी लैंग्वेज और जो भी द वे ही इज सेइंग, द वे ही इज स्पीकिंग, उससे आप बिल्कुल अच्छे से फिगर आउट कर सकते हैं कि ही वॉज इन अ वेरी रेस्टलेस स्टेट, विच इज ऑब्वियस ऑल्सो। बट ही वॉज नॉट giving any facts, he was just blabbering and trying to threaten Sandeep Maheshwari even more, 6 din mein I'll see, dekhna tum kya kar lunga, which is wrong on so many levels. A lot of people are get influenced by you, unko bahut zyada बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी माना जाता है विवेक बिंद्रा को, तो मतलब दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम। एंड ही वाज जस्ट सेइंग मुझे बात करनी है, मैंने तो आपको ऑफिस आपके टाइम पे बुलाया, मतलब ही वाज रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ही वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ हिज बिजनेस इज रनिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, बट वो ना एज अ ऑडियंस, एज अ न्यूट्रल ऑडियंस, विवेक बिंद्रा का कुछ ऐसा बिजनेस सीरीज या कुछ भी ऐसे कभी फॉलो नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब हाउ इट वर्क्स। बट जो भी मैंने देखा एज अ न्यूट्रल ऑडियंस, मुझे उसमें कोई फैक्ट नहीं लगा। एंड वो मुझे बिल्कुल ही लग रहा था कि ये मतलब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये दिस इज समथिंग जो कि लीगल बिजनेस लग रहा है। मतलब इट्स सो रॉन्ग ऑन सो मैनी लेवल्स कि आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं एंड लोग इतने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपके पास इतना पैसा, मतलब आई डोंट नॉट अंडरस्टैंड कि इतना पैसा होने के बावजूद भी Why in the first place को कुछ भी ऐसा करने की जरूरत पड़ रही है। विवेक बिंद्रा जो है वो अपनी वीडियो में बार बार कह रहे थे कि इसको आपने स्कैम कैसे बोला, इसको कैसे स्कैम बोला। संदीप महेश्वरी ने उसके पहले 2-3 बैक टू बैक विवेक बिंद्रा के रेफरेंस में ही स्ट्रेट अवे कम्युनिटी के पोस्ट डाले थे, एंड विवेक बिंद्रा ने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था। फिर क्या हुआ, इस लाइव वीडियो के बाद संदीप महेश्वरी ने आंसर किया एक वीडियो डाल के कि व्हाई इट इज अ स्कैम। उन्होंने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, सारा चीजें दिखा दी। आई फील कि सबको वो वाली वीडियो जो है ना, लास्ट एटलीस्ट जो वीडियो है ना संदीप महेश्वरी की, वो जरूर देखनी चाहिए। उसमें ही हैज गिवन ऑल द फैक्ट्स कि व्हाई दिस बिजनेस इज अ स्कैम, एंड ये बैन हो चुका है इंडिया में काफी टाइम से, एंड स्टिल पीपल आर एक लूप होल उन्होंने है जिसके थ्रू ये बिजनेस अभी भी रन कर रहे हैं। एंड मतलब काफी उन्होंने डिटेल में सब चीजें एक्सप्लेन। संदीप महेश्वरी जी ने एंड में उस वीडियो में ये भी कहा है कि उन्होंने एक हैशटैग चलाया है स्टॉप विवेक बिंद्रा, एंड ऑन टॉप ऑफ इट ही इज सेइंग लीगल एक्शन बोलेंगे अब, दैट इज वॉट ही हैज सेड। एंड सच अ गुड थिंग कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स आर टेकिंग अ स्टैंड। सिर्फ एक कह देना कि आई एम देयर, आई सपोर्ट दिस टीम, मतलब मेरे को वो चीज समझ नहीं आती, बट इस लेवल पे आके कि आई टेक द एक्शन नाउ, और अगर मैं पैसे नहीं, मैं अपने लेवल पे जितने पैसे हो सकेंगे मुझसे लगेंगे, अगर मेरे से नहीं हो पाया
तो आई विल मोनेटाइज माई चैनल. अगर इफ यू डोंट नो, संदीप महेश्वरी जो है उनका चैनल जो है वो नॉन मोनेटाइज है, एंड तो वो मोनेटाइज करेंगे फॉर सम टाइम, एंड वो 1-1.5 करोड़ रुपए जब उनके पास हो जाएंगे चैनल से, तो ही विल यूज दैट मनी टू फाइट लीगल बैटल अगेंस्ट सच स्कैम. एंड उन्होंने उसमें ये भी रिक्वेस्ट किया है कि जिन लोगों को के साथ ये सब स्कैम हुआ है वो वीडियो एंड पूरी डिटेल दें. मतलब इट शुड नॉट बी अ हाफ एडेड इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरे फैक्ट्स वेरीफाई किए जाएंगे, देन ओनली वो इन्वॉल्व करेंगे. एंड उन्होंने बताया है कि कैसे FIR आप लॉन्च करनी चाहिए आपको, एंड इतने सारे लोग अगर मिलके कंप्लेन करेंगे तो ऊपर के जो भी लोग हैं उनको एक्शन में आना ही पड़ेगा. एंड विवेक बिंद्रा बहुत बुरे तरीके से इन चीज़ों में फंस चुके हैं अब, एंड आई फील कि अब बहुत टाइम नहीं है कि उनका जो बिजनेस है वो बुरे तरीके से क्रैश कर जाएगा, बिकॉज इस वीडियो ने काफ़ी लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए हैं. एंड टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ करनी है, अगर वो प्रोडक्ट एंड चीज़ जो है वो सही है, देन देर इज नो हार्म. बट अगर कोई उससे बेनिफिट ही नहीं हो रहा है एंड पीपल आर फीलिंग ट्रैप्ड, एंड वो आगे जस्ट बिकॉज वो ट्रैप्ड है और वो उस ट्रैप से निकलना चाहते हैं और वो किसी और को, बेचारे इनोसेंट को ट्रैप में फंसा रहे हैं, यही आप इसी वजह से आपका बिजनेस रन कर रहा है, तो ये ज़्यादा दिन चलता भी नहीं है. एंड दिस इज सो रॉन्ग. आपको लग रहा है कि ये अभी आपको एक बार में रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, बट ये कभी सस्टेन नहीं करेगा, कभी ना कभी ये क्रैश करेगा ही करेगा. उस केस में आपका पैसा भी जाएगा, इज्जत भी जाएगी, एंड जो भी ऑडियंस देख रही है, जो भी बच्चे हैं, जो भी थोड़ा सा भी अगर आप समझने की कोशिश करें, तो आप इस तरीके की चीजों में फंसने से पहले ना किसी मैच्योर्ड इंसान से, किसी एक्सपीरियंस इंसान से राय जरूर लें. आई एम श्योर आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी. हर इंसान के पास एक तो ऐसा पर्सन होता ही है जिससे उसे सही गाइडेंस मिल सके. अगर आपको नहीं सही गाइडेंस मिल रही, इंटरनेट इज ऑलवेज देयर, आपको हर चीज पे बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो आप इंटरनेट सर्च करें, कभी भी रश ऑफ इमोशन में जाके डिसीजंस मत लें इस तरीके के, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी, बच्चे उसमें कह रहे हैं कि दे आर सुसाइडल, उन्होंने शेड्यूल कर रखी हैं वीडियोस, बिकॉज वो उनके लिए इतना बड़ा अमाउंट था, उन्होंने पता नहीं कैसे उन बच्चों ने वो अमाउंट जोड़ा होगा या जुगाड़ा होगा, जैसे भी उन्होंने वो मैनेज किया होगा, और वो उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, एंड उनको घर से भी प्रेशर हो रहा होगा कि तुमने डुबा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया. तभी मैं कह रही हूँ, ऑलवेज रिसर्च वेल. कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले आपकी रिसर्च पूरी होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ना चाहिए. अदरवाइज मतलब ये स्कैम्स तो आपको इतने मिल जाएंगे आज की डेट में मार्केट में, कि आप एक से बचोगे दूसरे में फंस जाओगे, दूसरे से बचोगे तीसरे में फंस जाओगे. तो अगर जब तक आप खुद अवेयरनेस अपने लिए क्रिएट करना नहीं सीखते, जब तक आप अपने रिसर्च अपने लेवल पे करना नहीं सीखते, आप तब तक इन चीज़ों में आप ट्रैप होते ही जाएंगे. कोई ना कोई आपको इन्फ्लुएंस कर देगा. आप जितने जागरूक होंगे उतना ही आप सेफ रहेंगे. सो या इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी. अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माय इंस्टा हैंडल इज हार्ट सोल एंड स्टाइल. बाय द वे, आई पुट द लिंक ऑफ द संदीप महेश्वरी वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय एंड स्टे सेफ.